In this practical, the apparatus are used in this practical are the three test tubes and one delivery tube and one bearing cylinder. Chemicals used for detection of carboxylic family, sodium carbonate, lime water, also known as calcium oxide, and acetic acid. कार्बोजाइलिन के एक्सपेरिमेंट में या प्रैक्टिकल में हम सबसे पहले तीन टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेंगे और 10 ml ऑफ वाटर का इस्तेमाल करेंगे। उनको हम शेक करेंगे तब तक कि वो फुली डिजॉल्व ना हो जाए। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 10 ml ऑफ वाटर का इस्तेमाल करेंगे। उसको तब तक शेक करेंगे जब तक ये वेल डिजॉल्व ना हो जाए। और उसके बाद हम एक सेकेंड टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम एसिटिक एसिड लेंगे जिसका फार्मूला है NH3CH3COOH, और इसमें हम जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब और सेकेंड टेस्ट ट्यूब, इनका जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का हम कुछ ड्रॉप्स लेंगे, फाइन ड्रॉप, उसको हम सेकेंड टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो जाएगी। उसी टाइम हम जल्दी से थर्ड टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने लाइम वाटर का इस्तेमाल किया है उसको हम और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को लेंगे और उसको हम एक इन्वर्टेड ट्यूब से मर्ज कर देंगे और उसमें टिश्यू का इस्तेमाल करके इनको ब्लॉक कर देंगे। और जो लाइम वाटर है और ये जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें से हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं वो रिलीज होंगे और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब में आ जाएंगे। और हमें कैसे आइडेंटिफाई हो कि ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हुई है, जो लाइम वाटर का कलर है वो मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस टेस्ट ट्यूब या इन्वर्टेड ट्यूब का इस्तेमाल कर सकें, हम एक मैच बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी एक फायर लेके हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्ट ट्यूब के सामने ले आए, उसी टाइम जलना बंद हो जाएगी, तो इससे हमें आइडेंटिफाई हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो। Thank you.
Thank you.